हेलो एंड वेलकम टू MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आज इस लेक्चर में जो है मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग आज इस लेसन में जो है, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, द डेफिनेशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिनेशंस देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फीचर्स देखेंगे क्या फीचर्स हैं इसके, उसी के साथ जो है डिस इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम होता है तो उसका इकोनॉमी पर क्या असर होता है, आज के ये हमारे टॉपिक्स हैं और आज जो है हम इस लेक्चर में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जो है हम लोग सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। BOP अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द एंटिटीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड है उन ट्रांजेक्शंस का जो कंट्रीज़ के दरमियान में होते हैं, है ना, जो कंट्रीज़ के दरमियान में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है उनको, तो उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो है ट्रेड करता है, चाहे वो अशिया का हो, गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, तो इनके दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट की शक्ल में, तो वो बैलेंस शीट क्या कहलाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है ना। उसमें जो है उसको जो है एक बैलेंस शीट की शक्ल में सिस्टमेटिकली वो ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं। अब किन किन चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स होता है, अब तो जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन्स जो है दो मुल्कों के दरमियान में होगा, दो कंट्रीज़ के दरमियान में होगा, ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू कंट्रीज़, है ना। ट्रांजेक्शन जो ट्रेड जो है दो कंट्रीज़ के दरमियान में होता है, एक या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान में होता है। अब जो भी है वो कंट्रीज़ के दरमियान में गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इनकम हो सकती है ना, दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में आ रही है और आपके कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है, तो ये जो इनकम हो सकती है, तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसको जो सिस्टमेटिकली जो रिकॉर्ड किया जाता है, इन ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, या इसे हम और सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। जो इंटरनेशनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना उनको, वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। नाउ आवर नेक्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशंस हम अब देखेंगे। किंडल बर्जर हैज़ डिफाइंड इट एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन इट इज़ रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, है ना, दो कंट्रीज़ के दरमियान में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसे जो है रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसे किसने डिफाइन किया है, किंडल बर्जर ने डिफाइन किया है। उसने क्या कहा है, जो कंट्रीज़ के दरमियान में, फ़र्ज़ करो ये रेसिडेंट कंट्री, ये जो है डोमेस्टिक कंट्री हो गई और ये जो है कोई दूसरी कंट्री हो गई, ये हमारा डोमेस्टिक कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री हो गई कोई भी, है ना, एक फॉरेन कंट्री, तो इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होंगे ट्रेड होने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, वो
बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो क्या कहलाते हैं, वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं। ओके नाउ अब हम जो इसके फीचर्स देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स क्या हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे ट्रांजेक्शन्स का, जो दो कंट्रीज़ के दरमियान में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन विजिबल और इनविजिबल। इसमें जो है दोनों किस्मों के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, विजिबल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है, इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ ए टाइम, जनरली इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट। ये एक पीरियड ऑफ ए टाइम, एक अरसे के लिए बोलना चाहिए बनाया जाता है। यूजुअली जो है जनरली देखा जाए तो ये वन ईयर के लिए होता है, एनुअल स्टेटमेंट होता है। इट अडॉप्ट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो इसमें जो है डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम होता है, इसके दो साइड्स होते हैं है ना। इसमें जो है इट हैज़ टू साइड्स ऑफ अकाउंट, एक क्रेडिट साइड होता है एक डेबिट साइड होता है। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जो रिसिप्ट्स होती है, जो हमको पेमेंट हो रही है, तो वो जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। और जो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, जो हम पेमेंट दे रहे हैं, वो जो है डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा है ना। क्रेडिट जो है प्लस रहेगा, डेबिट जो है माइनस रहेगा है ना। क्रेडिट को हम रिसिप्ट्स भी बोल सकते हैं और डेबिट को हम पेमेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, when receipts are equal to the payment, the balance of payment is in equilibrium. When receipts are greater than the payment, there is surplus in the balance of payment. अब देखो इसमें जो है receipts अगर हमारी ज़्यादा रहेगी, यानी हमको जो पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमारा balance of payment जो रहेगा वो surplus रहेगा, यानी वो favorable रहेगा हमारे लिए। हाँ, और अगर इसी के साथ हमारा जो balance of payment unfavorable कब आएगा, जब हमारा payment हमारी रिसिप्ट से ज़्यादा रहेगा, यानी हमारा इम्पोर्ट अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल आएगा है ना। इसीलिए उसमें जो है डिसइक्विलिब्रियम भी मिलता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी को हम जो है दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है एक है करंट अकाउंट है और सेकंड जो है कैपिटल अकाउंट है ना। ये दो अकाउंट्स हैं इसमें, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए, अगर हम इन दोनों को जो है डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर जो है ये हमारा करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पर हमारा करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा। अब ये क्रेडिट साइड रहेगी करंट अकाउंट की, और ये करंट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड रहेगी, अरे डेबिट साइड रहेगी है ना, हमारी डेबिट रहेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है इसको जो है दो उसमें बांट सकते हैं। ओके, अभी जो हम लोग ये देखते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है। देर आर टू मेन अकाउंट्स इन द बीओपी, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इनकम क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन्स है ना। जो करंट अकाउंट में जो इनकम क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ना। वो जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं और जो इनकम क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें जो है करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। साथ में जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में जो है
उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए तो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सेल ऑफ परचेस एंड एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स के ट्रांजेक्शन्स हो गए, है ना, एसेट्स के सेल और परचेस के ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो उन्हें जो है कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें भी जो है कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, इस तरीके से जो है इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ये आप लोगों को और इजीली मैंने बताने की कोशिश की है कि करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, करंट अकाउंट में जो इनकम क्रिएटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो जो सेल एंड परचेस ऑफ एसेट्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ साथ में कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स भी, लॉन्ग पीरियड के ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट इज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है? नॉर्मली द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी इक्विलिब्रियम, लाइक द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इक्वल, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। सो डिसइक्विलिब्रियम जनरली अराइजेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, है ना। एक ये चीज़ है कि ऑटोनोमस रिसिप्ट क्रेडिट डू नॉट मैच इट्स ऑटोनोमस पेमेंट, है ना, इसलिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आते हैं। अगर जो हमारा रिसिप्ट है वो जो है हमारे पेमेंट से ज़्यादा है तो ये हमारे लिए सरप्लस चीज़ रहेगी, है ना, ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो है ये फेवरेबल चीज़ रहेगी। अगर इसी के साथ साथ तो ये हमारे लिए देन इट इज़ सेड टू बी डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। इन द रियलिटी इट इज़ नॉट सो। डिसइक्विलिब्रियम जनरली अराइजेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसीलिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। बाज़ मरतबा क्या होता है कि हमारे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल नहीं होते, है ना, बाज़ मरतबा ये होता है कि कंट्री का इम्पोर्ट ज़्यादा होता है या कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो वो तो सरप्लस चीज़ रहेगी, बट एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा उसमें जो है डिसइक्विलिब्रियम आने लगता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी अनफेवरेबल व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट, है ना, इट मे बी फेवरेबल व्हेन देयर इज एक्सेस एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने देखा है कि ऑटोनोमस रिसिप्ट्स अगर ज़्यादा हैं पेमेंट से तो ये जो है हमारे लिए सरप्लस रहेगा, और ऑटोनोमस पेमेंट्स ज़्यादा हैं, डेबिट्स ज़्यादा हैं क्रेडिट से, तो ये हमारे लिए जो है डेफिसिट होगा। इसीलिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डिसइक्विलिब्रियम आता है, दोनों चीज़ें जो है इक्वल नहीं होने पाती। है ना, जो दोनों चीज़ें हैं वो इक्वल नहीं होने पाती, या तो कभी हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारे रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती है, पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, दोनों इक्वल नहीं होने पाते, तो बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, तो इसलिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इक्वल नहीं आने पाता। यहाँ पर हमने ये देखा, ये लेक्चर हमने आज जो है मैंने ये बताया तुम लोगों को। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।